टॉपिक से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा ट्रिक आप लोग को कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पहली बार मेरे द्वारा ज्ञापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रिक बताया जा रहा है, जो कि एकदम धांसू और जबरदस्त है। तो फाइनली स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक वाले वीडियो में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि ऐसा ट्रिक आप लोग को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, यूट्यूब खंगाल डालिए, कहीं भी ऐसा वीडियो और ऐसा ट्रिक आप लोग को मिलने वाला नहीं है जैसा ट्रिक मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिक की सिर्फ बात कर रही हैं, आखिर किस चीज़ का ट्रिक बताने वाली हैं। तो जी हाँ, ट्रिक मैं बताने वाली हूँ मुजक्कर और मुअन्नस का, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कम से कम बोली हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, मुजक्कर मुअन्नस जिसको जींस कहते हैं। अब आप लोग इसको पहनने वाला जींस नहीं समझ लीजिएगा। जी नहीं, ये पहनने वाला जींस नहीं है बल्कि पढ़ने वाला जींस है। उर्दू ग्रामर में जींस को पढ़ना है। जींस को हिंदी में कहते हैं लिंग और इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। जिस तरह आप लोग हिंदी में लिंग पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इंग्लिश में जेंडर पढ़े होंगे, मस्क्यूलिन और फेमिनिन पढ़े होंगे ना आप लोग। जिस नाम से किसी स्त्री जाति यानी कि फीमेल का होना पता चले उसको कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे कि नानी, चाची, इस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जो है ना स्त्री यानी कि फीमेल है। तो इस तरह के नाम को नानी, चाची, बकरी, मकड़ी, ठीक है ना, ये सभी नाम जिससे किसी स्त्री यानी कि फीमेल का होना पता चले उसे कहते हैं स्त्रीलिंग और इंग्लिश में फेमिनिन। ठीक है ना, और जिस नाम से किसी पुरुष यानी कि मेल का होना पता चले उसको कहते हैं पुलिंग, इंग्लिश में मस्क्यूलिन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाना, दादा, मामा, चाचा, ये सभी नाम सुनकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये किसी पुरुष यानी कि मेल का नाम है। ठीक है ना, तो इस तरह के नाम को क्या कहते हैं, पुलिंग और इंग्लिश में मस्क्यूलिन। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी और इंग्लिश में पढ़े होंगे। बस जेंडर यानी कि जो आप लोग इंग्लिश में जेंडर पढ़ते हैं और हिंदी में लिंग पढ़ते हैं उसी को आप लोगों को उर्दू ग्रामर में यहाँ पर पढ़ना है। क्या, जींस, यानी कि जींस को ही क्या कहते हैं, हिंदी में लिंग कहते हैं और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है ना, और जिस तरह हिंदी में लिंग 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इंग्लिश में जेंडर 2 प्रकार का, फेमिनिन और मस्क्यूलिन, उसी तरह उर्दू में भी जो जींस होता है ना ये भी 2 प्रकार का होता है, मुजक्कर और मुअन्नस। ध्यान रहे, मुजक्कर को तज़कीर भी कहते हैं और मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं। ठीक है ना, जींस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जींस किसे कहते हैं। एक बार और फिर से बता दे रही हूँ, जींस उस नाम को कहते हैं जो नाम किसी स्त्री या फिर पुरुष यानी कि किसी फीमेल या फिर मेल के लिए इस्तेमाल हो, उस तरह के नाम को कहते हैं जींस। तो जैसा कि जींस को 2 भागों में बांटा गया है, मुजक्कर, तो मुजक्कर को ही क्या कहते हैं, तज़कीर कहते हैं, और मुअन्नस को तानीस कहते हैं। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में तज़कीर और तानीस बोलकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि मुजक्कर और मुअन्नस लिखकर आप लोगों के एग्जाम में, यानी कि मुजक्कर मुअन्नस बोलकर ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुजक्कर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिंग, और इंग्लिश में कहते हैं मस्क्यूलिन। उसी तरह मुअन्नस को हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेमिनिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि मुजक्कर उस नाम को कहते हैं जिस नाम से किसी पुरुष जाति यानी कि किसी मेल का होना पता चले, जैसे कि चाचा, मामा, नाना, इस नाम से क्या पता चल रहा है कि हाँ ये किसी पुरुष यानी कि किसी मेल का नाम है। ठीक है ना, किसी पुरुष का होना पता चल रहा है, तो इस तरह के नाम को क्या कहते हैं, मुजक्कर कहते हैं। और जिस नाम से किसी स्त्री यानी कि फीमेल का होना पता चले उस नाम को क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। बस जो हिंदी में आप लोग पढ़े थे, इंग्लिश में पढ़े थे, वही वाला फंडा यहाँ पर उर्दू में ला देना है। ठीक है ना, जिस नाम से किसी स्त्री का होना पता चले उसे कहते हैं मुअन्नस, चाची, मामी, नानी। ठीक है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, मुअन्नस कहलाएंगे। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता है। आप लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि एग्जामिनर आप लोगों से इतना आसान सवाल पूछेगा कि बताओ चाचा, मामा या फिर नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, इसमें कौन सा जींस है? ये तो आप लोग बता सकते हैं। राजा से पता चल रहा है कि किसी पुरुष का नाम है तो राजा को कह देंगे मुजक्कर, रानी किसी स्त्री का नाम है यानी कि राजा को कह देंगे, रानी को कह देंगे मुअन्नस, नौकर को कह देंगे मुजक्कर, नौकरानी हो जाएगी क्या मुअन्नस। इतना आसान तो आप लोग खुद से ही बता देंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और ये एग्जामिनर भी जानता है कि ये तो बच्चा खुद बता देगा, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना है नहीं, नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम में इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता है। आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बताइए कलम, कलम में कौन सा जींस है, यानी कि कलम मुजक्कर है कि मुअन्नस है, बताइए। ज़रा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कलम जिससे आप लोग लिखा करते हैं ना, कलम मुजक्कर है कि मुअन्नस है, यानी कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, या फिर किताब, या फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी,
मतलब ऐसा नाम आप लोग के, ऐसा लफ्ज उठा कर दे देगा ना जिसका आप लोगों को जिन्स पता ही नहीं रहेगा, मतलब पता ही नहीं रहेगा कि वो मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो फिर मुजक्कर और मुअन्नस को पहचानेंगे कैसे? यहीं पर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और इसी तरह क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अब आज जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ ना, इस ट्रिक को जानने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे और सबसे पहले मुजक्कर और मुअन्नस का क्वेश्चन देखेंगे, ढूंढने की कहा गया मुजक्कर और मुअन्नस, सबसे पहले उसी को आप लोग बना कर आएंगे। ऐसा ट्रिक मैं आप लोगों को मुजक्कर और मुअन्नस का बताने वाली हूँ। एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है मुजक्कर और मुअन्नस पहचानने का। आज के बाद से आप लोगों को 1% भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। चलिए अभी मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछी थी कलम, कलम बता देती हूँ कि कलम मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो ध्यान रखिएगा, कलम जो है ना वो उर्दू भाषा में मुजक्कर है, याद रखिएगा। कलम उर्दू लैंग्वेज में मुजक्कर है, यानी कि क्या है, पुलिंग है, ये मेरा कलम है बोला जाएगा उर्दू भाषा में। लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कलम जो है ना वो मुअन्नस हो जाती है, यानी कि कलम को मुअन्नस कहा जाता है, यानी कि वो स्त्रीलिंग हो जाती है। यानी कि हिंदी भाषा अगर बोल रहे हैं आप लोग तो हिंदी भाषा में कलम क्या है, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग है, यानी कि आप लोग कहेंगे ये मेरी कलम है। लेकिन उर्दू भाषा में कलम जो है ना वो मुजक्कर है, यानी कि पुल्लिंग है, आप लोग कहेंगे ये मेरा कलम है, ये मेरी कलम नहीं, मेरा कलम, ये उर्दू लैंग्वेज में। और मेरी कलम यानी कि जो कलम है ना वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, मुअन्नस हो जाएगी, कब, हिंदी लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का भी अंतर होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कलम क्या होगा, कुछ लोग बोलते हैं ये मेरा कलम है, कुछ लोग बोलते हैं ये मेरी कलम है। तो कलम आखिर मुजक्कर है कि मुअन्नस से कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आई होप आप लोगों को आज डाउट क्लियर हो गया होगा कि कलम जो है ना उर्दू लैंग्वेज में मुजक्कर है और हिंदी लैंग्वेज में मुअन्नस है, ठीक है ना। और आप लोग बताइए किताब, किताब क्या है, किताब को मतलब उर्दू लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मुअन्नस ही कहते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि मुजक्कर जो है ना, मुजक्कर से जिस मुजक्कर उस तरह के नाम को कहते हैं जिससे मेल का होना पता चले, और मुअन्नस उस तरह के नाम को कहते हैं जिससे फीमेल का होना पता चले। यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है ना। अब चलिए एक एक करके जो मैं ट्रिक देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर लिखी हुई, इसको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगी, आप लोग टेंशन फ्री रहें। सबसे पहले ट्रिक को समझिए। अब ट्रिक क्या है मुजक्कर और मुअन्नस पहचानने का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर भी अब दूसरे जगह ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल यहाँ पर ध्यान लगा दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं लिखी हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ मुजक्कर है तो कैसे पहचानेंगे, तो इतना लंबा चौड़ा मैं लिखी हूँ ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलिफ। यानी कि जिस लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ आप लोगों को मिल जाए, क्या मिल जाए, अलिफ, जिस लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ दिखे उसको कहना है कि वो एक मुजक्कर है, यानी कि वो लफ्ज़ क्या है, वो एक पुल्लिंग है, ठीक है ना। जिस लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ दिख जाए आप लोगों को, अक्सर जो है ना मुजक्कर लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ होता है, जैसे कि दरिया, तिनका, ताला। देखिए दरिया के लास्ट में क्या है, अलिफ है, तिनका के लास्ट में क्या है, अलिफ है, ताला के लास्ट में क्या है, अलिफ है, ठीक है। तो इस तरह के ये सभी लफ्ज़, ये सभी नाम क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा, ठीक है। तिनका क्या, दरिया हो जाएगा मुजक्कर, तिनका हो जाएगा मुजक्कर, ताला भी हो जाएगा मुजक्कर, ठीक है ना। अब देखिए इब्तदा और दुनिया के भी लास्ट में क्या है, अलिफ है। इब्तदा और दुनिया के भी लास्ट में अलिफ है, लेकिन ये खुद मुजक्कर नहीं है, ये जो दोनों लफ्ज़ है ना, ये दोनों लफ्ज़ ये मुअन्नस है, याद रखना है आप लोगों को। भले ही इन दोनों लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ है, लेकिन ये मुजक्कर ना होकर मुअन्नस है। आप लोग केमिस्ट्री में अपवाद पढ़े होंगे ना, तो समझिए कुछ इसी तरह का ये भी अपवाद है, ठीक है ना। जिस तरह केमिस्ट्री में अपवाद पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसी तरह का यहाँ पर उर्दू में भी अपवाद पढ़ना है। जिस शब्द के लास्ट में, जिस लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ दिख जाएगा उसको तो मुजक्कर कहेंगे, लेकिन कुछ अपवाद भी है, और अपवाद यहाँ पर लिख दी हूँ मैं। इब्तिदा के लास्ट में अलिफ है, दुनिया के लास्ट में अलिफ है, लेकिन ये मुजक्कर ना कहलाकर ये मुअन्नस कहलाते हैं। उसी तरह दान, देखिए दान, ये जिस लफ्ज़ के लास्ट में ये दान, लास्ट में दान दिख जाए, ध्यान रखिएगा, जिस लफ्ज़ के लास्ट में दान लिखा हो उस तरह के लफ्ज़ को डायरेक्ट मुजक्कर लगा देना है, बिना सोचे समझे। कोई भी लफ्ज़ देखिए, अगर उस लफ्ज़ के लास्ट में दान लगा हुआ है, बिना सोचे समझे उसको मुजक्कर लगा देना है। जैसे कि कलमदान, लास्ट में क्या है, दान, कलमदान, लास्ट में दान, तो इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुजक्कर है, ठीक है ना। उसी तरह बान, ठीक है ना, जिस लफ्ज़ के लास्ट में बान हो, निगहबान, तो इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुजक्कर कहेंगे। जिस भी लफ्ज़ के लास्ट में बान लिखा हुआ दिखाई दे उसको आंख बंद करके क्या लगा देना है,
मुजक्कर लगा देना है। उसी तरह ताब, जिस लफ्ज के लास्ट में ताब लिखा हो उसको कहेंगे मुजक्कर है, जैसे कि आफ्ताब, ठीक है ना, आफ्ताब। लेकिन किताब के लास्ट में भी तो ताब है, लेकिन हम इसको मुजक्कर कहने के बजाय ताब को क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताई केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं, उसी तरह यहाँ पर उर्दू में भी कुछ अपवाद है। किताब के लास्ट में ताब है, लेकिन इसको मुजक्कर ना कह के इसको हम लोग मुअन्नस कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो अपवाद है वो मैं लिख दी हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद से वाह, ठीक है ना, वाह, जिस लफ्ज़ के लास्ट में वाह हो, जैसे कि धुआँ, लास्ट में क्या है, वाह वाह, तो जिस लफ्ज़ के लास्ट में वाह दिखाई दे उसको क्या कह देना है कि वो लफ्ज़ क्या है, मुजक्कर है। उसी तरह देखिए, जिस लफ्ज़ के लास्ट में साज हो, साज साज, जैसे कि कलम साज, तो उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुजक्कर कहेंगे। उसी तरह ज़ार, ठीक है ना, ये ज़ार जिस लफ्ज़ के लास्ट में लगेगा उस लफ्ज़ को कहेंगे मुजक्कर है, जैसे कि बाजार, बाजार के लास्ट में क्या है, ज़ार है ना, तो क्या कहेंगे, मुजक्कर है, ठीक है। उसी तरह जिस लफ्ज़ के लास्ट में वाव लगा हो उसको भी आप लोगों को मुजक्कर ही टिक करना है, ठीक है, यानी कि मुजक्कर मतलब क्या, पुलिंग, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर लिखा है लास्ट में क्या है, वाव है। पा है, जिस लफ्ज़ के लास्ट में पा दिखाई दे उसको कहते हैं क्या, कि वो एक मुजक्कर लफ्ज़ है। बुढ़ापा, लास्ट में क्या है, पा। आगे बढ़ते हैं, जिस लफ्ज़ के लास्ट में पन हो, पन, जैसे कि बचपन, दीवानापन, बांकपन, ठीक है ना, गंवारपन, ठीक है ना, लास्ट में पन पन आ रहा है ना, तो इस तरह के सभी लफ्ज़ जिसके लास्ट में पन आए उसको कहना है क्या, मुजक्कर, ठीक है ना, मुजक्कर टिक कर देना है। बंद, जिस लफ्ज़ के लास्ट में बंद भी हो ना उसको भी आप लोगों को मुजक्कर लगाना है, जैसे कि कमर बंद, बिस्तर बंद, ठीक, तो ये सभी लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, मुजक्कर कहलाएंगे। उसी तरह खाना, ठीक है ना, खाना, जिस लफ्ज़ के लास्ट में खाना लगा हो, जैसे कि गुसल खाना, मेहमान खाना, तो उस तरह के लफ्ज़ को मुजक्कर ही कह देना है, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ मुजक्कर का ट्रिक बता रही हूँ, यानी कि वैसे लफ्ज़ जिससे किसी पुरुष जाति का होना पता चले उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुजक्कर कहते हैं ना, तो मुजक्कर का भी मैं ट्रिक बता रही हूँ, मुअन्नस का भी बताऊँगी, सबसे पहले मुजक्कर को तो समझ लीजिए। तो खाना हो गया, जिस लफ्ज़ के लास्ट में खाना लगा उसको क्या कह देना है, मुजक्कर कह देना है। उसी तरह हे है, जिस लास्ट में ये छोटी वाली हे दिखाई देना उसको भी क्या कह देना है, उसको भी टिक कर देना है कि वो मुजक्कर है। जैसे कि खजाना, लास्ट में छोटी वाली ये है, छोटी वाली है, है। उसी तरह पर्चा, लास्ट में छोटी वाली है। शीशा, लास्ट में क्या है, छोटी वाली है। तो जिस भी लफ्ज़ के लास्ट में ये छोटी वाली है दिखाई दे उस तरह के लफ्ज़ को क्या कह देना है कि वो लफ्ज़ क्या है, मुजक्कर है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो लफ्ज़ अरबी या फिर हिंदी का है और उसके लास्ट में छोटी वाली है आप लोगों को दिख रहा है, तब उसको मुअन्नस कहेंगे। जैसे कि राह, पनाह, जगह, ये जो शब्द है ना, इनके भी लास्ट में है, लेकिन ये अरबी और हिंदी के लफ्ज़ हैं, अरबी नहीं तो हिंदी भाषा के लफ्ज़ है, तो इस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे, ठीक है ना। वैसे इतना सिर्फ याद रखिएगा कि जिस लफ्ज़ के लास्ट में है, ये छोटी वाली है रहेगा, उसको क्या कह देना है, मुजक्कर कह देना है। आगे बढ़ते हैं, तमाम दिनों। अब देखिए यहाँ से जो मैं लिखी हूँ ना, यहाँ से जो ट्रिक मैं लिखी हूँ ये एकदम ज़बरदस्त, ये सभी ट्रिक जो है ना, ये लास्ट वाला, मतलब लास्ट में ये सभी लफ्ज़ दिखाई देंगे तो उसको कहेंगे आप लोग मुजक्कर। मतलब ये सभी ट्रिक अगर आप लोग अपना लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो लफ्ज़ मुजक्कर है कि नहीं है, तो यहाँ पर उससे भी सुपर डुपर हिट ट्रिक मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। सुपर डुपर हिट मतलब ज़बरदस्त और धांसू खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं, ये ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक, तो देखिए लिखी हुई हूँ मैं, तमाम दिनों और महीनों के नाम को क्या कहते हैं, मुजक्कर कहते हैं। यानी कि जितना भी दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सातों दिनों के नाम को हम मुजक्कर कहते हैं, सिवाय जुमरात को छोड़कर। यानी कि जुमरात को छोड़कर, जुमरात को क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे, ठीक है ना। तो जुमरात को छोड़कर बाकी दिनों के जितने भी नाम होते हैं ना, वो सभी नाम क्या कहलाएंगे, मुजक्कर कहलाएंगे। तो क्या सोमवार मुजक्कर कहलाएगा, तो बेशक मुजक्कर कहलाएगा। क्या रविवार मुजक्कर कहलाएगा, तो बेशक कहलाएगा। यानी कि सिर्फ जुमरात को, बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी जितने भी नाम होते हैं ना दिन के, वो सभी नाम क्या कहलाएंगे, मुजक्कर कहलाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद से जितने भी महीनों के नाम है ना, वो सभी महीनों के नाम मुजक्कर कहलाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 महीने है ना, टोटल 12 का 12 महीना का नाम
क्या कहलाएगा? तो मुजक्कर कहलाएगा। याद रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त। सोचिए, खतरनाक ट्रिक लगा कि नहीं? धांसू ट्रिक एकदम ज़बरदस्त है। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट करके बताएं। सोचिए, ये जो ट्रिक लाने का और ट्रिक बनाने का मोटिवेशन है ना, ये आप लोग के लाइक शेयर से ही मिलता है। तो इसी बात पर अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोग के लाइक और शेयर से, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के ज़बरदस्त ट्रिक बनाने की, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोगों ने जो हमें रिकैप दिया है हैशटैग उर्दू दुनिया की शहजादी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना। वो मैं हैशटैग में यूज़ भी कर रही हूँ, हैशटैग उर्दू दुनिया की शहजादी, एकदम ज़बरदस्त। बस इसी तरह आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखते हैं तो ये हमें मोटिवेशन देता है इस तरह के ज़बरदस्त ट्रिक और निरंतर क्लास लेते रहने की। यहाँ ये जितने भी ट्रिक बनते हैं ना, कहाँ से आते हैं? ये मोटिवेशन आप लोग के लाइक शेयर से ही मिलता है। तो अभी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह निरंतर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। फटाफट शेयर कर दें चैनल पर। अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि कोई भी दिन का नाम हो या फिर कोई भी महीना का नाम हो, क्या कहलाएगा? मुजक्कर कहलाएगा, सिर्फ जुमरात को छोड़कर, यानी कि बृहस्पतिवार को छोड़कर। उसके बाद से क्या है? तमाम धातु, इस दुनिया में जितने भी मेटल है, धातु है और जवाहरात हैं, वो सभी नाम क्या कहलाएंगे? मुजक्कर कहलाएंगे। तमाम धातु और जवाहरात का नाम मुजक्कर कहलाएगा, सिवाय चांदी और कलई। चांदी और कलई, ये दोनों नाम को छोड़कर बाकी जितने भी इस दुनिया में धातु है ना, सभी धातु के नाम और सभी जवाहरात के नाम, जितने भी जेवर हैं, सभी जवाहरात और तमाम धातु का नाम क्या कहलाएगा? मुजक्कर कहलाएगा। उसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि तमाम पहाड़ों, समुद्रों और दरियाओं के नाम मुजक्कर कहलाता है, ठीक है ना। याद रखना है, तमाम पहाड़ों, इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों का कुछ ना कुछ नाम तो है। तो जितने भी इस दुनिया में पहाड़ हैं, जितने भी समुद्र हैं और जितने भी दरियाएँ हैं, जितनी भी नदी हैं, समुद्र हैं, ठीक है ना, पहाड़ है, उन सभी चीज़ों के नाम को क्या कहेंगे? मुजक्कर कहेंगे, ठीक है ना। सिर्फ जमुना और गंगा नदी को छोड़कर। देखिए, जो जो मुअन्नस है ना, वो मैं बता भी दे रही हूँ। देखिए, तमाम दिनों और महीनों का नाम सिर्फ जुमरात को छोड़कर मुजक्कर कहलाएगा, जुमरात मुअन्नस हो जाएगा। उसी तरह जितने भी इस दुनिया में धातु और जवाहरात है ना, वो सभी नाम मुजक्कर कहलाएगा, सिर्फ चांदी और कलई को छोड़कर, चांदी और कलई मुअन्नस हो जाएगा। उसी तरह इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, समुद्र हैं और दरिया हैं, उन सभी पहाड़ों, समुद्रों और दरियाओं के नाम को आप लोग मुजक्कर कहेंगे, सिर्फ जमुना और गंगा नदी को छोड़कर, यानी कि जमुना नदी और गंगा नदी मुअन्नस कहलाएगा, ठीक है ना। तमाम मुल्कों, शहरों और बर्रियाजमों के नाम को भी मुजक्कर ही कहना है आप लोग को। इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, देश हैं, जितने भी शहर हैं और जितने भी द्वीप, महाद्वीप हैं, उन सभी मुल्कों, शहरों और बर्रियाजमों, यानी कि महाद्वीपों के नाम को, शहरों के नाम को क्या कहेंगे? मुजक्कर कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली दो तरह से लिखा जाता है। एक दिल्ली इस तरह से लिखा जाता है, देहली, एक इस तरह से देहली लिखा जाता है, और एक मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, एक इस तरह से दिल्ली लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जिसमें हे नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है? हे है। तो ये वाला जो हे वाला, ये जो देहली लिखा है ना, इसको कहेंगे आप लोग मुजक्कर, और ये वाला जिसमें हे नहीं है, सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है, इसको कहेंगे मुअन्नस। देखिए इसमें भी थोड़ा सा का अंतर है, अगर हे रहेगा, देहली लिखा है तो मुजक्कर, और सिर्फ दिल्ली लिखा है इस तरह तो मुअन्नस, ठीक है ना। उसके आगे देखिए मैं क्या लिखी हूँ, तमाम सितारों के नाम को, जितने भी ग्रह हैं, सितारे हैं, उन सभी सितारों और ग्रह के नाम को क्या कहेंगे? मुजक्कर कहेंगे। सिर्फ ज़मीन, यानी कि हम लोगों का ये जो धरती है ना, इसको छोड़कर, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर, जितने भी सितारों के नाम हैं, सभी सितारों के नाम और ग्रहों के नाम क्या कहलाएंगे? मुजक्कर कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ट्रिक? एकदम धांसू और ज़बरदस्त है ना? कमेंट में लिखकर बताते रहिएगा कि हाँ, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है और समझ में भी आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। और इसी बात पर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मुजक्कर को पहचानने का ट्रिक, यानी कि कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है ये पहचानने के लिए आप लोग ये ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि जो लफ्ज़ मुअन्नस है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है। तो देखिए, जो लफ्ज़ मुअन्नस है ना, उसके लास्ट में ये छोटी ये देखने को मिलेगा, मतलब उसके लास्ट में, उस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी ये रहेगा। जैसे कि टोपी लास्ट में ये है, छोटी ये है, छुरी लास्ट में क्या है? ये है। टहनी लास्ट में ये है, ठीक है ना। टोपी, छुरी, टहनी, इन सभी लफ्ज़ के लास्ट में क्या है? छोटी ये है। तो इस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे। कहेंगे कि ये क्या है, ये सभी लफ्ज़ जो है ना मुअन्नस है, यानी कि स्त्रीलिंग है। छुरी क्या है? मुअन्नस है। उसी तरह
जैसा कि मैं यहाँ पर बताई थी कि कुछ केमिस्ट्री में जिस तरह अपवाद होते हैं उसी तरह उर्दू में भी अपवाद होते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ अपवादों का नाम मैं लिख दी हूँ। घी, दही, मोती, हाथी, इन सभी लफ्ज़ में भी क्या है, छोटी ये है लेकिन ये सभी लफ्ज़ मुअन्नस ना कहलाकर मुज़क्कर कहलाते हैं। उसी तरह जिस लफ्ज़ के लास्ट में वट हो या फिर सिर्फ ये टॉ लगा यानी कि टे लगा हुआ हो तो उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है। जैसे कि सजावट, लास्ट में देख रहे हैं वट लगा हुआ है या फिर टॉ भी सिर्फ ये टे लगा रहेगा ना तो भी आप लोग कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है। तरावट, सजावट, ठीक है, तो ये सभी लफ्ज़ मुअन्नस कहलाएंगे। उसी तरह जिस लफ्ज़ के लास्ट में आप लोग को हट लिखा हुआ दिखाई दे, हट, जैसे कि घबराहट, तो इस तरह के शब्द को क्या कहेंगे, इस तरह के लफ्ज़ को मुअन्नस कहेंगे। जिस लफ्ज़ के लास्ट में ते हो, ये ते, जैसे कि मेहनत, लास्ट में क्या है, ते है, तो इस लफ्ज़ को कहेंगे मुअन्नस है। ये ज़बरदस्त ट्रिक है पहचानने का, जिस लफ्ज़ के लास्ट में हट, ते, ये सभी लफ्ज़, ये सभी हर्फ दिखाई देंगे ना तो उसको क्या कह देना है, वो लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर मेहनत के लास्ट में ते था तो हम लोग इसको मुअन्नस कह दिए, लेकिन यहाँ पर शरबत के लास्ट में भी क्या है, ते है, तो क्या हम लोग इसको मुअन्नस कहेंगे, तो नहीं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी ना कि केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में भी कुछ अपवाद होते हैं। शरबत इसके लास्ट में ते है लेकिन आप लोग इसको मुअन्नस ना कह के मुज़क्कर कहेंगे, तो शरबत क्या हो जाएगा, मुज़क्कर कहलाएगा। उसी तरह देखिए क है, जिस लफ्ज़ के लास्ट में क यानी कि ये काफ लिखा हुआ हो उसको कहेंगे कि वो लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है, यानी कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि बैठक, एग्जांपल मैं लिख दी हूँ, बैठक के लास्ट में क्या है, क है, तो मुअन्नस हो गया। उसी तरह जिस लफ्ज़ के लास्ट में क्या है, रे, रे यानी कि रॉ है, जैसे कि पुकार, लास्ट में क्या है, रे है, तो उसको क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, मज़ार, देखिए इसके भी लास्ट में रे है लेकिन आप इसको मुअन्नस ना कहकर मुज़क्कर कहेंगे, ठीक है ना। उसी तरह एक और यहाँ पर है ई, ये जो ई है ना, जिस लफ्ज़ के लास्ट में आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे उसको कहेंगे मुअन्नस। इसकी देखिए खरीदारी, लास्ट में क्या है, ई, खरीदारी, लास्ट में ई, तो लास्ट में ई लगा हुआ है ना तो मुअन्नस। लेकिन यहाँ पर आई भी हो सकता है, जैसे कि छपाई, ई रहे या फिर आई रहे, ई रहे या फिर आई रहे, उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुअन्नस। देखिए छपाई में लास्ट में क्या है, आई, खरीदारी में लास्ट में ई और छपाई में लास्ट में आई, तो लास्ट में ई रहे या फिर आई रहे, मुअन्नस कह देना है, यानी कि स्त्रीलिंग कह देना है। उसी तरह लास्ट में अगर नत मिल जाए, सकूनत, देखिए लास्ट में क्या है, नत, तो इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे, मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक और यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, जिस लफ्ज़ के लास्ट में गाह हो, गाह, जैसे कि बंदरगाह, जलसगा, तो इस तरह के लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के लास्ट में गाह लगा हुआ दिखाई देना उस तरह के लफ्ज़ को क्या कह देना है, मुअन्नस कह देना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये सभी ट्रिक का यूज़ करने के बावजूद भी अगर आप लोग को पता नहीं चलता है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है कि नहीं, स्त्रीलिंग है कि नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर एक और ज़बरदस्त ट्रिक मैं लिख दी हूँ, ठीक है ना। ये सुपर डुपर हिट ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग, खतरनाक ट्रिक यहाँ पर है। ये सभी ट्रिक अपना लेने के बावजूद भी नहीं पता चल रहा है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है कि नहीं है, तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइए। जैसे कि तमाम आवाज़, इस दुनिया में जितने भी आवाज़ है ना, तमाम आवाज़ों के नाम को क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। टीटी, पीपी, म्याऊं म्याऊं, काऊं काऊं, जो भी इस दुनिया में जितने भी आवाज़ों के नाम है ना, सभी आवाज़ों के नाम को क्या कह देंगे आप लोग, मुअन्नस कह देंगे। तमाम ज़ुबानों और तमाम औज़ारों, किताबों और नमाज़ों के नाम को क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। तमाम औजार, जितने भी औजार है इस दुनिया में, सभी औजार, हथियार के नाम को क्या कहेंगे, मुअन्नस। तमाम किताबों के नाम, जो किताब, बुक्स का नाम होता है ना, जितने भी इस दुनिया में बुक है ना, किताब, सभी किताबों के नाम को कहेंगे मुअन्नस। नमाज का नाम, जितने भी नमाज है, सभी नमाज़ों के नाम को कहेंगे क्या, मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग। और तमाम छोटे छोटे जानवरों के नाम, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, मेंढक हो गया, छोटे छोटे, जो गांव देहात में हिती हिती बोला जाता है, ठीक है ना, तो जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन कीड़े मकोड़े के नाम को क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर फाइनली हो जाता है मुज़क्कर और मुअन्नस का ट्रिक कंप्लीट। जितना भी ट्रिक था मैं आप लोगों को बता दी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और यहाँ तक मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इतना मेहनत करके आप लोगों को, आप लोग नहीं जानते हैं एक वीडियो शूट करने के लिए पीछे कितने घंटों की मेहनत होती है। तो इसी बात पर आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके ये ट्रिक बनाकर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस ट्रिक को याद कर लें और इस ट्रिक का यूज़, मतलब इसको कभी भूलना नहीं है, और इस ट्रिक को आप लोग यूज़ करें और जितना ज़्यादा हो सके इसका विस्तार करें, मतलब कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग भी इस ट्रिक को जान पाए,
पाए, समझ पाए और उनको भी मुजक्कर और मुअन्नस से छुटकारा मिले, यानी कि जो कंफ्यूज रहते थे कि कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, उनको पता नहीं चलता था, तो उन तक भी वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट एंड करते हैं यहाँ तक, फटाफट ले लीजिए स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, नए नए ट्रिक मैं आप लोगों को लेकर आती ही रहती हूँ, तो नोटिफिकेशन वीडियो का आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।